रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ और 12 बज चुके हैं और जब 12 बजते हैं तो आपके साथ में लग बाय चांस लेके विक्रांत हाजिर हो जाता है। भाई आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ वैभव जी हैं जो कि वास्तु के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके के आ रहे थे और बहुत सारे कॉमन सवाल भी हमारे पास आ रहे थे। तो आज हमने एक जोड़ी बनाई है, इनफैक्ट एक नहीं कहीं वो जोड़ियां हैं, कहीं तिकड़ियां हैं, अलग अलग सवाल लेकिन सबका जवाब सिर्फ एक। आपको सिर्फ अपनी कुछ चीजें, कुछ वास्तु के छोटे छोटे सॉल्यूशंस जो है वो अपनाने पड़ेंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आए उनके बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपको आज मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आई एम श्योर आपको भी अपनी परेशानी का हल जो है आज लग बाय चांस पे वास्तु के थ्रू मिल सकता है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में सुनते रहिए लग बाय चांस। मिलते हैं कुछ देर के बाद अपने वास्तु एक्सपर्ट वैभव शर्मा जी के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। एक लिंक हो गया। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ और जो वादा मैं करता हूं उसे निभाता जरूर हूं। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था लग बाय चांस पे कि आपकी सारी परेशानियों के सॉल्यूशंस आपको दे के रहूंगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं और वास्तु की हेल्प से वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। अब सबसे पहले वैभव जी, हमें बहुत सारे सवाल आए इस बार और अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों ने अपने परेशानियां बताई और सवाल पूछे, लेकिन जहां वास्तु का सवाल है काफी दिन से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि सबके सॉल्यूशंस जो है ज्यादातर कॉमन रहते हैं। तो करियर एक सबसे बड़ा कंसर्न था लोगों का कि मुझे बताइए करियर में क्या करना है। तो लोगों को अगर अपना करियर बेटर करना हो या करियर में कुछ अच्छा करना हो या करियर ब्रेक थ्रू करना हो तो क्या 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 करना चाहिए? देखिए ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस व्यक्ति को अपने करियर ऑप्शंस को चुनने में, डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही हो या करियर को बेटर करना हो, तो आपको अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को बहुत साफ सुथरा रखना होता है। तो आपको उसको साफ सुथरा रखना है और आपको खुद ये ट्राई करना है कि आप अपने घर में कम से कम दो से लेकर के चार घंटे का टाइम आप अपने घर के जो भी ईस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ डायरेक्शन है वहां थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड करें। ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको अपने करियर में आगे कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, बहुत ज्यादा एक ठहराव सा आ गया हो, आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही हो, तो आपको अपने घर में नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम देना और उसको साफ सुथरा रखना, खुला रखना बहुत जरूरी है। ग्रेट, यानी कि वहाँ टीवी लगा के देख सकते हैं, बैठ सकते हैं या फिर कोई बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गुड, ग्रेट। अच्छा, करियर और बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमारे पास, तो दोनों का क्या सेम सोल्यूशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए एकदम कुछ दूसरे अलग फॉर्मूले होते हैं। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, लौट के आते हैं। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या बिजनेस में आपको परेशानी आ रही है तो आपका जवाब यानी आपका सोल्यूशन वास्तु की मदद से वैभव नाथ शर्मा जी देंगे लग बाय चांस पे। विक्रांत के साथ बने रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। इट्स हॉट। ओ बिजनेस वालों फूलो फलो। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत आपके साथ में है, लग बाय चांस सुन रहे हैं आप और अब बारी है बिजनेस वालों की। भाई दरअसल हमारे साथ स्टूडियो में वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं और आपसे मैंने अभी कुछ देर पहले जैसा कहा था कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपकी काफी सारी परेशानियों के सॉल्यूशंस हम देंगे। तो वैभव जी बताइए कि एक इंसान को बिजनेस में, जैसे बहुत सारे हमें सवाल आए कि बिजनेस हमारा चल नहीं रहा ठीक से या फिर कोई डील होती तो होते होते क्रैक होते होते ऐसा लगता है कि हो गया काम, उसके बाद फिर हो नहीं पाता है जी। तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता इसलिए है विक्रांत की जो भी बिजनेस के ओनर्स हैं, जो भी मालिक हैं, वो अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में, जहां से भी वो काम करते हैं, डील करते हैं, अपने वर्क प्लेस के साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं बैठते हैं। वास्तु का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि अगर आपको अपने बिजनेस में, व्यापार में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको अपने वर्क प्लेस में, जहां से भी आप काम करते हो, आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ आपको बैठना ही चाहिए। कम से कम 5-6 घंटे वहां पर आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने बिजनेस से अपना कंट्रोल खो देते हैं, उसके साथ साथ आपके क्लाइंट्स के साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं रह जाता, कोई एक अच्छा रिलेशन नहीं रह जाता, आप उनके ऊपर से भी अपना विश्वास और कंट्रोल दोनों खो देते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल क्राइसिस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, काम बनते बनते खराब होता रहेगा। यानी कि ऑल यू बिजनेस पीपल आउट देयर, आपको करना यह है कि अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर को खुश रखना है अपनी प्रेजेंस से।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है और रिलेशन शादी से ठीक नहीं चल रही है आपकी, या फिर आपके अफेयर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप शादी कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए सॉल्यूशन जो है वास्तु की मदद से वैभव नाथ शर्मा जी लग बाय चांस पे देंगे। मैं हूं विक्रांत और आप है रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। इट्स हॉट। सुनो, अब तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ, लग बाय चांस सुन रहे हैं आप। और ज्यादातर रिलेशंस में ये प्रॉब्लम आती है, और ये जो डायलॉग है कि तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, हमने कई बार सुना होगा। कोई बात नहीं यार, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। इस बार मेरे साथ लग बाय चांस पे वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, जो आपकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आपके अफेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही हो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, वो हमें बताएंगे। वैभव जी बताइए। देखिए, जिन भी लोगों के लिए सबसे पहली बात ये कि जिनके पर्सनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब रहते हो, अफेयर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हो, तो उनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखना होता है, और घर में थोड़ा सा समय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जरूर देना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखें और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में थोड़ा सा समय आप वहां जरूर दीजिए। बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, टीवी देखिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा समय देना चाहिए। जिनके रिलेशनशिप, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही हो, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, उनको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, अगर न्यूली मैरिड कपल हैं, तो जरूर रहना चाहिए। कम से कम एक साल तक का समय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में देना चाहिए, जो वास्तुशास्त्र का नियम है। अगर आपकी शादी को एक साल से ज्यादा हो चुका है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप अपना मास्टर बेडरूम बनाएं, तो आपके जो संबंध तल्ख हो गए हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत आपके रिलेशनशिप जो है बहुत हेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद लड़कियों की शादी में बार बार बाधा आती है, शादी बात बन कर रह जाती है, तो आपको करना यह है कि उनके गार्जियंस को ये चाहिए कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो कमरा है, वो अपनी कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए अगर कमरा बना दें, तो जल्दी ही, बहुत जल्दी जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, बहुत अच्छा रिश्ता तय हो जाता है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को आप अपना लीजिए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ कीजिए। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर कुछ देर के बाद जानेंगे कि भाई अगर आपकी सेहत जो है वो खराब हो रही है, काफी इलाज के बाद भी आपको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी विक्रांत के साथ में रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर हैं, और आप हैं लग बाय चांस पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप सुन रहे हैं लग बाय चांस विक्रांत के साथ, और ये एक ऐसा शो है जहां पे आपकी परेशानियों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और आपको सॉल्यूशंस देते हैं हमारे एक्सपर्ट। और इस वक्त वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी मेरे साथ में है स्टूडियो में। वैभव जी, आज हम बहुत सारे कॉमन जो सवाल हमसे पूछे गए हैं उनके जवाब दे रहे हैं जी। तो वास्तु में एक और सवाल हमसे पूछा गया कि वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है सेहत में। कुछ घर में बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है या बच्चों की तबीयत खराब रहती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं वास्तु में, बताइए प्लीज। देखिए, इसके लिए सबसे पहले ट्राई ये करना चाहिए कि आपके घर में जिनकी भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो, उनको घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको जगह देनी चाहिए। उससे उनकी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर होती है, और जब भी आप उनको वहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनका कमरा बनाए, उनको जगह दें, उनका सिर हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें विक्रांत, घर में कुछ ऐसी दोष हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे घर बनाते समय, जिसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे आता है। सबसे पहला दोष जो होता है वो ये होता है कि जब हम टॉयलेट बनाते हैं, जो उसमें पॉट की सेटिंग होती है, अगर वो ईस्ट और वेस्ट होगी, क्योंकि दोनों दिशाएं जो है वो सूर्य की हैं, अगर सूर्य का दोष होगा, तो निश्चित तौर पर मैंने इतने सारे केसेस देखे कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनली कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है घर में, और अगर आपके किचन में कोई दोष है तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे चेंज करवाना पड़ेगा फिर। देखिए, उसको चेंज करना जरूरी नहीं है, आप बहुत छोटे उपाय कर सकते हैं, मिरर लगा के कर सकते हैं, वास्तु दोष निवारण यंत्र अगर आप उसको सिद्ध करा करके लगा दें, या वास्तु शांति करा लें किसी अच्छे आचार्य को बुला करके, तो ऐसे दोष बिना तोड़फोड़ के, बिना चेंज के भी ठीक हो जाते हैं। अच्छे आचार्य की बात कर रहे हैं, खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर आपको वैभव नाथ शर्मा जी से बात करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, तो कुछ डिटेल्स आ रही हैं, इनके नंबर्स आ रहे हैं, आप उन पे डायल कर सकते हैं फोन। फिलहाल लग बाय चांस में आगे बढ़ते हैं, और कुछ देर के बाद आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर मैं यानी कि विक्रांत लौटूंगा। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स ऑन। नमस्कार, मेरे जैसे निकट्टू और नालायक बच्चों के लिए अब आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर वास्तु के कुछ सोल्यूशंस। लग बाय चांस सुन रहे हैं आप, और अगर मुझे वैभव नाथ शर्मा जी पहले मिल चुके होते तो मैं इनसे पूछ लेता कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। खैर, मैंने तो अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर ली, लेकिन आप भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं, और उसके लिए
वैभव जी हमें बताएंगे कि एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आती है ना वैभव जी, जैसे कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे सवाल हमसे पूछे लोगों ने, बोला कि यू नो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है, अटक अटक के एजुकेशन पूरी होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है, या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, तो सबके लिए क्या करना चाहिए? देखिए विक्रांत, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चे अपने घर में साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से उनको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, उनके जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाता। तो इससे बचने के लिए आपको करना यह है कि अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपका फेस टूवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी मेरे पास आए हैं कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो ईस्ट डायरेक्शन वो है जिधर से आपके घर में सनराइज होता है, आप उधर फेस करके पढ़िए। जहां आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की वॉल्स मिल रही हो, वो कमरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, आप वहां बैठिए, वहां अपना स्टडी रूम बनाइए, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। मेरे ख्याल से मेरे जैसे बच्चों ने आपसे सवाल पूछा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है। वैसे मार्केट में जो कंपास है वो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं अगर आपको डायरेक्शंस में कुछ परेशानी है या आपका हाथ तंग है तो। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में लक बाय चांस पे बने रहिए। कुछ देर के बाद आपके घर की जो इंटीरियर्स होते हैं उनको लेकर आप छोटे छोटे क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बड़े बड़े अच्छे वाले चेंजेस आएंगे, उनके बारे में बताएंगे वैभव नाथ शर्मा जी। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर सुनते रहिए लक बाय चांस, इट्स हॉट। बेटा, अब वास्तु की मदद देने के लिए क्या मुझे अपना घर तोड़वाना पड़ेगा, दरवाजा बदलना पड़ेगा या दीवार ढहानी पड़ेगी? उसके बिना क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? मेरी परेशानियों का कोई सुझाव मिल पाएगा या नहीं, ये कभी नहीं जान पाएंगे हम लोग। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर इन सब बातों में ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वास्तु में तोड़फोड़ होती है। अगर आपके दिमाग में ये बात थी तो अब इसे दूर कर दीजिए। वैभव नाथ शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु के ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस हमें बताते हैं जो हमारी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव अच्छे वाले ला सकते हैं। वैभव जी जी, अब हम इंटीरियर्स के बारे में बात कर रहे थे कि तो घर के अंदर हम कौन सी ऐसे ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को अपने घर में मिरर्स को बहुत अच्छी जगह पे प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग ये बात नहीं समझ पाते, मिरर्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। अगर मिरर्स ठीक डायरेक्शन में नहीं हो तो आपके घर में आने वाली जो शुभ ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको हमेशा अपने घर में मिरर्स जो है ईस्ट और नॉर्थ की वॉल पे ही लगाने हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने घर में कैसे पोर्ट्रेट्स लगाने हैं, कैसी पिक्चर्स लगानी है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो बहुत अग्रेसिव, बहुत लड़ाई झगड़े वाली, बहुत हिंसक या बहुत दुखी आत्मा टाइप की कोई भी फोटो, पेंटिंग, पोस्टर्स ऐसे कुछ नहीं लगाने हैं। अगर आपको अपने घर का फैमिली फोटो लगाना है तो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। अगर आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मृत आत्माएं हैं, उनकी फोटो लगानी है तो अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के साउथ की वॉल पे लगा सकते हैं आप। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। इतना छोटा सा चेंज करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अपने इसी घर में। क्या बात है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में आप लग बाय चांस सुन रहे हैं। अगर आपने कोई भी टिप मिस कर दी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पर्सनली भी अपॉइंटमेंट लेकर वैभव नाथ शर्मा जी से मिल सकते हैं। नंबर आने वाले हैं कुछ देर के बाद, सुन लीजिए लग बाय चांस पे। टिप ऑफ द वीक के साथ विक्रांत आपको मिलेगा रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर, इट्स हॉट। तो लीजिए, अर्ज किया है कि लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आपके साथ में विक्रांत है इस वक्त, और विक्रांत के साथ में है वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि हमें बहुत सारी परेशानियों का एक बोतलबंद उपाय देंगे। वैभव जी जी, इतनी सारी हमने परेशानियां, एजुकेशन, उसके बाद करियर, जॉब, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ मिला के हमने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन अभी मैं आपको चुपके चुपके आपके राज की पोटली खोलते हुए देख रहा था, सुन रहा था कि सब परेशानियों का कुछ एक इलाज भी होता है, एक जनरल सा एक उपाय कॉमन, जिसे करने से काफी सारी परेशानियां जो है वो एक साथ सॉल्व हो जाएंगी, तो जरा वो प्लीज शेयर कर लीजिए ना। मतलब ऐसे जी बिल्कुल विक्रांत, अब आप इतना कह रहे हैं तो ये जो लाख मर्जों की एक दवा है वो मैं बता ही देता हूँ। देखिए, करना ये है कि आपको अपने घर में कुछ अलग अलग जगहों पे, घर के हर कोने में, अगर आप कर सकते हो तो घर के चारों कोने में बाउल्स में आप नमक भर के रखिए। और नमक आपको कौन सा रखना है? समुद्री नमक, वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आजकल वास्तु की अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, वो रखिए। और उसके साथ साथ घर के सेंटर ऑफ द पॉइंट में, जहां ब्रह्मस्थान जिसको बोलते हैं, वहां पर अगर आप एक तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, फिनांस हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, हर तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये छोटा सा बॉल में नमक रख लेना और उसको हर हफ्ते चेंज करते रहना, संडे संडे, बहुत इफेक्टिव होता है। आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए। इस बात से मुझे एक डायलॉग याद आया, एक बॉल नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
लेकिन आप इस बोल नमक की कीमत आएगी समझ गए होंगे अगर आप यूज करके देखेंगे। एक हफ्ते में आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो एक काम करिए, आज संडे है, आज यूज करके देखिए, अगले संडे इसके रिजल्ट्स आप हमें बता सकते हैं। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर कुछ देर के बाद, अभी अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था और दिमाग में सबके रहता ही है, लोन एक बहुत बड़ा खतरनाक सी चीज है जो आज के इशू बना हुआ है। हाँ, कि भाई सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके लिए अगर आप कुछ जाते जाते बता जाएं तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल विक्रांत। तो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर कुछ देर के बाद मिलते हैं। अगर आपके सर पे भी कोई लोन है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, उसके बारे में वैभव नाथ शर्मा जी वास्तु की मदद से हमें सोल्यूशन बताएंगे। रेडियो मिर्ची सुनते रहिए विक्रांत के साथ, इट्स हॉट। एक बार बेचारे प्रेम को उधार नहीं मिला, इसलिए वो कपड़े नहीं सिल पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि उधार प्रेम की कैंची है। और आपको अगर ये जोक समझ में नहीं आया तो आप ट्यूबलाइट हैं। एनीवे, फिलहाल लग भाई जान सुन रहे हैं आप, मैं हूं विक्रांत आपके साथ, और उधार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आए कि जी मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, मैंने ये लोन ले रखा है, ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है। तो हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, जो कि हमें वास्तु का एक सिंपल सा उपाय बताएंगे जिसकी वजह से हम इस उधार नाम की केची को अपने सर के ऊपर से हटा देंगे और हमारे बाल लंबे लंबे हो जाएंगे। सर जी विक्रांत, देखिए विक्रांत, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उधार होता कैसे। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दोष ग्रस्त है, वहां पे कोई वास्तु दोष है, वहां पे बेसिकली टॉयलेट या स्टोर बना हुआ है, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा उधार हो सकता है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो बेसिकली रसोई की जगह होती है, अगर वो खुला है, वहां पे अग्नि स्थान नहीं है, तो भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो सकता है। तो आपको करना यह है, ट्राई ये करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप साफ सुथरा रखें, वहां पे तुलसी का पौधा लगा दीजिए, वहां जैसे मैंने बताया आपको एक बॉल में नमक रखना है कुछ दिन के लिए, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके यहाँ रसोई नहीं है, तो आप शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक वहां जलाना शुरू करिए, या वहां पे साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक रेड बल्ब जलाइए, जितना भी बड़ा से बड़ा उधार होगा चुटकियों में उतर जाएगा। बड़े से बड़ा उधार उतारने के लिए सारे सिंपल सिंपल छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपको करने हैं। वैसे अगले संडे आखिरी बार हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी होंगे, तो अगर आपको कोई अपने पर्सनल सवाल पूछने हैं, कुछ और सवाल हैं जिनका सॉल्यूशन आज आपको नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लक बाय चांस में। कुछ नंबर्स आने वाले हैं, उनको सुन लीजिए, अगले हफ्ते आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएंगे। विक्रांत के साथ में लक बाय चांस सुन रहे थे आप, और अब बारी है कुछ देर के बाद सुनने की टोटल फिल्मी। आ रहा हूं अपने एस्ट्रो वाले कपड़े उतार के, फिल्मी कपड़े पहन के। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट, रेडियो मिर्ची 98.3।